स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। स्टूडेंट्स, जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो उससे अगला है जो कल हमने आपको कराया था। कल हमने ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं यानी कि एसेसरी जो डक्ट्स हैं, इनके बारे में स्टूडेंट डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे का ले रहे हैं जिसमें जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जो मेल यानी कि एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, हम आज इनके बारे में डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे कल भी आपको अपनी वीडियो में बताया है कि जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तीन मेन इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं। एक बताया था जिसमें एक पेयर्ड वन पेयर्ड होती हैं सेमिनल वेसिकल्स, एक ग्लैंड होती है लार्ज अनपेयर्ड जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, और दो ग्लैंड्स और होती हैं यानी कि एक पेयर्ड ग्लैंड्स जिसको बल्बो यूरिथ्रल और या कॉपर ग्लैंड कहते हैं। कल हमने हालांकि थोड़ा थोड़ा आपको बताया था, आज हम इनकी डिटेल और इनसे होने वाला जो सिक्रीशन है, जो ये सिक्रीट करती हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन और इस टोटल यानी कि सिक्रीशन को हम जो नाम देते हैं सेमिनल प्लाज्मा या सीमन, इसके जो फंक्शन है, जो इसकी पीएच है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे हम वन बाय वन लेते हैं, जो सबसे मेन यानी कि पहले ग्लैंड्स आती हैं वो आती है सेमिनल वेसिकल। तो जैसे कल भी हम आपको बताया था कि जो सेमिनल वेसिकल्स हैं दे आर मेनली टू ग्लैंड्स, ये दो ग्लैंड्स होती हैं यानी कि एक पेयर ग्लैंड्स होती हैं, इलोंगेटेड होती हैं, सैक लाइक होती हैं, और अगर आप इनकी पोजिशन देखें तो दे आर लोकेटेड नियर द जो इजेकुलेटरी डक्ट है, नियर द इजेकुलेटरी डक्ट जो इनकी बेस पार्ट होता है, जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर का जो नेक वाला पार्ट है यानी कि जो बिल्कुल नीचे वाला भाग होता है जहाँ से यूरिथ्रा अराइज करता है, तो उस भाग में दोनों साइड में यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर की जो दोनों साइड्स हैं उन दोनों साइड्स में ये सैक लाइक यानी कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। और अगर हम इनकी लंबाई की बात करते हैं स्टूडेंट, ये 4 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई होती है इनकी यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर। अगर हम इनको थोड़ा सा स्ट्रेटन कर दें, सीधा कर दें, तो ये इनकी लंबाई अधिक हो सकती है यानी कि लगभग ये 9 सेंटीमीटर के आसपास हो सकती हैं। तो ये जो इनका जो सिक्रीशन है स्टूडेंट, तो इनका जो अब जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड्स हैं ये कहीं ना कहीं एक जैसे कहते हैं विस्कस गाढ़ा यानी कि फ्लूड सिक्रीट करती हैं, और इन सभी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वही सेमिनल प्लाज्मा या सीमन बनाने का काम करता है। तो जो इन ग्लैंड का सिक्रीशन है वो थोड़ा सा कलर में स्लाइटली जैसे येलोइस होता है यानी कि पीलेपन पे होता है, पीला रंग का होता है, और ये एल्कलाइन यानी कि नेचर में होता है क्योंकि इसकी जो पीएच होती है वो स्लाइटली एल्कलाइन होती है। पीएच होती है लगभग जैसे 7.4, और विस्कस है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो ये फ्लूइड यानी कि सिक्रीट करती हैं, और सबसे अधिक मात्रा में भी यानी कि जो सेमिनल प्लाज्मा का की जो मात्रा होती है, जो इसकी यानी कि अमाउंट होती है, उसका लगभग 60% जो पार्ट है यानी जो 60% सिक्रीशन होता है सेमिनल प्लाज्मा का, वो ये सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट करती है। तो स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि जो इसका सिक्रीशन है उस सिक्रीशन में कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, तो इसमें जैसे शुगर में हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज होता है, और एक हार्मोन लाइक केमिकल जिसको हम कहते हैं प्रोस्टोग्लैंडिंस, ये पाए जाते हैं। कुछ क्लोटिंग एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन्स होती हैं, और ये जो फ्रक्टोज है, जैसे फ्रक्टोज का काम क्या होता है, ये क्योंकि फ्रक्टोज एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करता है इस स्पर्मेटोजोआ को, और जो ये हार्मोन लाइक प्रोस्टोग्लैंडिंस होता है स्टूडेंट्स, ये हार्मोन लाइक प्रोस्टोग्लैंडिन क्या काम करता है, इसका काम होता है प्रोस्टोग्लैंडिन का कि ये एक तरह से स्टिमुलेट का काम करता है जो मेली यूट्राइन वॉल होती है, फीमेल की जो यूट्राइन वॉल्स होती हैं उनको ये कॉन्टैक्ट कराने का काम करता है, ताकि जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो स्पर्मेटोजोआ आसानी से मूव करके और अपने टारगेट यानी कि भाग तक या जैसे कि ये फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो इनका काम होता है इस प्रोस्टोग्लैंडिन का कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करना। और कुछ ये क्लोटिंग एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, कोगुलेटिंग जो एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये थोड़े से उन एंजाइम से डिफरेंट होते हैं जो कोगुलेटिंग प्रोटीन्स हमारे ब्लड में पाए जाती हैं, उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इनका काम होता है सीमन को कोगुलेट करना, तो ये इनके फंक्शंस होते हैं। दूसरा, अगर हम दूसरी ग्लैंड की बात करें स्टूडेंट, तो इसके बिल्कुल जस्ट नीचे यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, इससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम, तो वहाँ पर एक लार्ज जैसे कहते हैं
ग्लैंड पाई जाती है। सिंगल ग्लैंड होती है, ये लार्ज ग्लैंड है, थोड़ी सी लोबलेटेड होती है, यानी कि इसमें लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये बहुत जैसे लार्ज ग्लैंड होती है, कभी कभी आपने जैसे कुछ मेल में सुना भी होगा, जैसे हमने फीमेल में बात बताई थी कि भी फीमेल के अंदर जो ज़्यादातर कैंसर होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो हम उनकी मेमरी ग्लैंड के अंदर देखते हैं, या तो यानी कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, और या हम एक और जैसे हमने बताया था जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है यूट्रस का, तो स्टूडेंट वहाँ पर फीमेल में कैंसर होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं। तो फीमेल सबसे ज़्यादा जहाँ पर उनमें वो प्रोन होती है कैंसर के लिए, या तो सर्वाइकल रीजन होता है या उनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसी तरह से मेल में भी जो ज़्यादातर मेनली जो कैंसर की पॉसिबिलिटी होती है इन रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो प्रोस्टेटिक कैंसर की होती है। तो कभी कभी कुछ मेल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है किन्हीं कारणों से, और जिसके कारण जैसे उस पर्सन को यूरिन पास आउट करने में भी प्रॉब्लम होती है, और इसमें पेन भी होता है कभी कभी। तो ये जब बढ़ जाती है तो इसको हम प्रोस्टेटिक यानी जैसे कहते हैं, या प्रोस्टेटिक रिलेटेड जो है बीमारी में काउंट करते हैं। तो प्रोस्टेट कभी कभी कुछ लोगों का बढ़ जाता है, ये वही सेम ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये कहने का मतलब है कि ये ग्लैंड लार्ज होती है थोड़ी सी, और ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे इसकी जो लोकेशन की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी, जैसे जो मेनली फर्स्ट पार्ट अभी मैंने बताया, जैसे यूरिनरी जो ब्लैडर है, इससे जो निकलने वाला यूरिथ्रा है, तो जहाँ से ये यूरिथ्रा एराइज कर रहा है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी यूरिथ्रा का जो अपर वाला पार्ट है, ये उसको यानी कि सराउंड करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसका जो सिक्रीशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो टोटल यानी कि इसका सिक्रीशन होता है, अगर हम बात करते हैं जैसे पूरा जो सेमिनल, अभी हम बात कर रहे थे जो प्लाज्मा है, उस सेमिनल प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा अमाउंट सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन का होता है, लगभग वो 60% पार्ट बनाता है। और अगर सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट की हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट उसमें इसी प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, जो टोटल यानी कि अमाउंट का 25% पार्ट बनाता है। और इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे, तो स्टूडेंट इसमें एक जैसे सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रेट होता है, यानी कहने का मतलब जो एक एसिडिटी प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से, या इसको एसिडिक बना रहा है, इसलिए स्लाइटली थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये एसिडिक होता है। और मिल्की कलर है इसका, मिल्की जैसे दूध या रंग होता है स्टूडेंट्स इसमें। और कुछ जैसे इसमें भी जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे एंटी कोगुलेटिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो एंटी क्लोटिंग का काम करते हैं, ठीक है। और इनका जो फंक्शन होता है सबका, इन केमिकल्स का, तो वो फंक्शन क्या है, जैसे जो एक तो नरिशमेंट ही है मेनली, क्योंकि जो जितने भी ये केमिकल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं इस स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट का काम करते हैं, उनको पोषण देने का काम करते हैं, और साथ साथ उनको एक्टिवेट करने का भी काम करते हैं। जो इसमें कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो इन स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करते हैं, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन हो गया। तीसरी ग्लैंड अगर अब हम और इसके नीचे चलते हैं, जो हमारा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के दोनों साइड में स्टूडेंट्स क्या होती हैं, वन जैसे कहते हैं पेयर ग्लैंड पाए जाती है, एक एक यानी ग्लैंड जैसे दोनों साइड में होती है, जिनको बल्बो यूरिथ्रल या फिर हम कॉपर ग्लैंड का नाम देते हैं। तो ये जैसे छोटी ग्लैंड होती हैं कॉपर, यानी कि लाइक जैसे मान लीजिए जो पी सीड होता है, जो मटर के दाने होते हैं, तो इस तरह से इनका साइज होता है कॉपर ग्लैंड का। और ये जो फ्लूड सिक्रीट करती हैं, वो फ्लूड जो सिक्रीट करती है उसमें क्योंकि म्यूकस की मात्रा होती है, एक तो म्यूकस सिक्रीट करती हैं ये, और साथ साथ जो इसके फ्लूड की अगर हम पीएच की बात करें, तो वो एल्कलाइन यानी कि नेचर का होता है। और जो ये काम करती हैं, जैसे क्योंकि ये एल्कलाइन यानी कि एक तरह से फ्लूड सिक्रीट कर रही हैं, तो जो एल्कलाइन होने के कारण, यानी इसकी जो पीएच है वो एल्कलाइन होने से क्या हो जाती है, कि जो हमारा यूरिथ्रा है, जो यूरिथ्रा के अगर अंदर की अगर हम जैसे एक तरह से इन्वायरमेंट देखें, तो हमारे यूरिथ्रा के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि हमारे यूरिन की जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक है। इसलिए क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारे जो ये स्पर्मेटोजोआ आते हैं थ्रू यूरिथ्रा, तो वो स्लाइटली इस एसिडिक इन्वायरमेंट में उनकी जो मरने के चांस हैं, उनके डाई होने के चांस हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए इनको इनसे बचाने के लिए, इसको इस एसिडिक इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, इस फ्लूड की कंसंट्रेशन एल्कलाइन नेचर की होती है। तो एक तो ये न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा, इसलिए एक तो जो हमारी एसिडिटी है यूरिथ्रा के अंदर उसको न्यूट्रलाइज करता है, साथ साथ अगर मान लो हम फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट देखें, तो उसमें भी वहाँ एसिडिटी होती है, तो जब ये सीमन यानी कि बॉडी के अंदर इजेकुलेट होता है, तो वहाँ भी ये यानी कि इनका सिक्रीशन न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। साथ साथ इसमें क्योंकि म्यूकस होता है, और वो म्यूकस जो है पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है, यानी कि उसको लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो ये इस ग्लैंड के सिक्रीशन के फंक्शन होंगे। एक और ग्लैंड होती है जो बिल्कुल पेनिस के टिप पे, यानी जो ग्लांस
पेनिस हमने बताया था, इसका जो बेसल पार्ट है इसके बेस पे एक ये ग्लैंड है जिसको परपेचुअल ग्लैंड कहते हैं स्टूडेंट, और इससे जो यानी कि एक केमिकल सिक्रीट होता है एक तरह से, जैसे ये ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करती है जिसको हम सेबेशियस सब्सटेंस के नाम से जानते हैं, और इसकी जो एक तरह से स्मेल होती है वो स्मेल बड़ी फॉल होती है, यानी जिसे कहते हैं फॉली यानी कि स्मेलिंग का एक सब्सटेंस है जो रिलीज होता है, और इसको हम एक नाम दे सकते हैं, इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं सेमिग्मा, ये सेमिग्मा यानी इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये ग्लैंड सिक्रीट करती है, हालांकि इसका जो सिक्रीशन है वो थोड़ा सा एक तरह से जैसे गंध यानी कि रिलीज करता है। तो इन सभी ग्लैंड का स्टूडेंट जो सिक्रीशन है, चाहे वो सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड, इन सभी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वही सिक्रीशन क्या बनाता है, वो बनाता है सीमन या जिसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और इसकी पीएच अगर हम ओवरऑल यानी कि सिक्रीशन की पीएच की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ये स्लाइटली थोड़ा सा एल्केलाइन होता है, यानी कि इसकी पीएच 7.35 से लेकर 7.5 तक हो सकती है, यानी कि लगभग 7.35 से 7.5 तक पीएच वाला ये प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा होता है स्टूडेंट्स। और इसके फंक्शन क्या हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से जब ह्यूमन कोई मेल कॉपुलेट करते हैं तो उनके जो इजैकुलेशन, जब वो इजैकुलेट करते हैं अपना सीमन इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो उसमें लगभग जैसे कहते हैं मिलियंस में 200 to 300 मिलियंस स्पर्मेटोजोआ होते हैं, तो उन स्पर्मेटोजोआ को कैरी ऑन करने का काम यानी कि उनको ले जाने का काम कर रहा है, उनको एक्टिवेट करने का काम करता है, उनको नरिशमेंट यानी जैसे कहते हैं पोषण देने का काम करता है, और जो फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट है स्टूडेंट्स उसको एक तरह से वो न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। तो ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है, फंक्शन क्योंकि लगभग वही है जो सेम जो इन ग्लैंड्स के केमिकल के सिक्रीशन से होते हैं। तो ये हमारा एक तरह से स्टूडेंट पूरा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने अब आपको उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में यानी जितनी डक्ट्स थी वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, और साथ साथ जो एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो हमने आपको बताई है, और सभी यानी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो सेमिनल प्लाज्मा या जिसको हम सीमन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू सो मच।